राजा मानसिंह, जिनका जन्म 21 दिसंबर 1550 और शासन 6 जुलाई 1614 तक चला, जो आमेर के राजा थे और इन्होंने ही जयपुर सिटी को बसाया था, जो कि आज राजस्थान की राजधानी भी है। राजा मानसिंह कछवाहा राजपूत वंश के थे, जो भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण की वंशावली है। कछवाहा राजपूत, जिन्हें हम आज कुशवाहा सरनेम से भी जानते हैं, जो आज उत्तर मध्य भारत में बसे हुए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़। गुजरात सल्तनत के पठानों ने 1472 ईस्वी में ही गुजरात के प्रमुख तीर्थ स्थान द्वारिकाधीश मंदिर को मस्जिद में बदल डाला था। इसी गुजरात सुल्तनत के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, जिसमें रानी कर्णावती को जौहर करना पड़ा। बंगाल सल्तनत तो गुजरात सल्तनत से भी 100 गुना ज़्यादा ताकतवर थी। इसमें 200 से ज़्यादा तोपें और 2 लाख के ऊपर सैनिक थे। यह बंगाल सल्तनत आज के जौनपुर से शुरू होती थी और बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा आदि राज्यों से होते हुए वर्मा तक इसकी सीमाएं खत्म होती थी। इसी बंगाल सल्तनत ने उड़ीसा के मंदिरों पर हमला किया था, जिसमें कोणार्क सूर्य मंदिर तो तोड़ ही डाला था और जगन्नाथपुरी मंदिर पर आक्रमण किया गया, लेकिन हिंदुओं ने यह मंदिर को बचा लिया। इसी सल्तनत के दम पर शेरशाह राजस्थान में अपना झंडा गाड़ा था। अकबर की सेना की सहायता से ही राजा मानसिंह ने गुजरात सल्तनत पर धावा बोला। गुजरात सल्तनत तो तबाह हो गया। इसी समय अकबर की सेना की मदद से ही राजा मानसिंह ने बंगाल सल्तनत का भी सफाया कर दिया। राजा मानसिंह को जैसे जैसे लगा कि भारत भीतर से मजबूत हो रहा है, तो उन्होंने भारत के बाहर निकलकर आक्रमण करने की योजना बनाई। उन्होंने अफगानिस्तान पर भी हमला किया। उस समय तुरान नाम का एक देश हुआ करता था। आज के हिसाब से तुलना करें तो तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इराक या देश मिलकर तुरान कहलाते थे। तुर्की भी इसी संगठन का हिस्सा था। अकबर का खुद का भाई अकबर के खिलाफ हो गया। इन सभी ने मिलकर राजा मानसिंह से घोर युद्ध किया, लेकिन सभी पराजित हुए। ईरान, अफगानिस्तान, इराक, तुरान, तुर्की, इन सब 5 मुस्लिम देशों को राजा मानसिंह ने अकेले पराजित कर दिया। उसी विजय का प्रमाण है कि आमेर के झंडे में 5 रंग होना, जिसे हम पंचरंग भी कहते हैं। एकमात्र राजा मानसिंह का कार्यकाल ही ऐसा रहा जब भारतीयों ने तुर्कों को टैक्स नहीं दिया। प्रत्येक मुस्लिम शासक तुर्कों को टैक्स देता था। अकबर ने तुर्कों को टैक्स तो क्या, भाव तक नहीं दिया। जिस इस्लामिक तंत्र को पिछले कई वर्षों की मेहनत से भारत में स्थापित किया गया था, राजा मानसिंह ने उसे अकबर की मूर्खता से कुछ ही वर्षों में ध्वस्त कर दिया। राजा मानसिंह के बाद मराठों का उदय हुआ। इधर मुगल सत्ता में तुर्की घुसपैठ हो चुकी थी। भारत समर्थित दारा शिकोह के स्थान पर तुर्की समर्थित औरंगजेब बैठ चुका था। औरंगजेब के पतन के बाद पेशवाओं का उदय हुआ और फिर आए अंग्रेज, उसके बाद आया लोकतंत्र। इस लोकतंत्र में भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, या भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। भारत का पहला शिक्षा मंत्री अफगानिस्तान के उलेमाओं के खानदान से ताल्लुक रखता था। इस्लाम में उलेमा बहुत उच्च श्रेणी का वादा है। कुरान शरीफ और हदीस की रोशनी में उलेमा लोग मुसलमानों को गाइड करते हैं। जैसा कि हम बता चुके हैं कि भारत का पहला शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद उलेमाओं के खानदान से ही था। इस प्रकार एक कट्टर मुसलमान जो पहला शिक्षा मंत्री बना, जिसे अपना इतिहास ज्ञात था कि राजा मानसिंह के कारण उसकी पठानी कौम के साथ पूरे साम्राज्य का नाश हुआ, तो भला वह फिर राजा मानसिंह के नाम को गुमनामी में क्यों ना पहुंचाता? साथियों, हमें खुद विचार करना चाहिए कि राजा मानसिंह एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनका पश्चिम के द्वारिकाधीश मंदिर से लेकर पूर्व में जगन्नाथपुरी मंदिर की रक्षा एवं जीर्णोद्धार में योगदान रहा, जिन्होंने काशी, मथुरा, गया, हरिद्वार जैसे तीर्थों का पुनरुद्धार किया। भला उनकी आलोचना में इतने साहित्य क्यों रच दिए गए? कारण सिर्फ एक ही था। विदेशी कभी नहीं चाहते थे कि हिंदू अपनी कूटनीति और बलनीति से प्राप्त हुई विजय का इतिहास पढ़ सकें। वह केवल हमें हमारी हार पढ़वा कर, हमारा मनोबल तोड़कर, हमें गुलाम बनाकर हम पर अत्याचार ही करना चाहते थे। यही कारण है कि हमारी शिक्षा पद्धति ने कभी भारत के सच्चे सपूतों का इतिहास हमारे सामने आने ही नहीं दिया।